सपना के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। निकिता व सपना के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। पहला तो जनता की सुरक्षा को चाहते हैं ये पुलिस, ये सरकार हरियाणा। अगर किसी भी इलाके में ये अपराध होती है तो ये पुलिस का प्रबंध होता है, ना कि किसी गैर का होता है। सर यहाँ हवाई फायर किए जाते हैं, तो आज इस रैली के द्वारा हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि लोगों के जान माल की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। कहीं हत्या, बलात्कार, फरौती, कहीं अपहरण, तो कहीं सरेआम गोलीकांड जैसी वारदातें लगातार प्रदेश में हो रही हैं। प्रदेश में सरकार और पुलिस प्रशासन आपराधिक घटनाओं को रोकने में नकारा साबित हो रहे हैं। उपरोक्त तमाम बातें प्रजा भलाई संगठन के सुप्रीमो और पूर्व में हरियाणा विधानसभा चुनाव में अटेली विधानसभा से बसपा प्रत्याशी रहे ठाकुर अतरलाल ने कही। आपको बता दें, आज अटेली बस स्टैंड से झंडा चौक तक ठाकुर अतरलाल के नेतृत्व में निकिता के हत्यारों को फांसी और लोगों के जान माल की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मार्च निकाला। ठाकुर अतरलाल ने हरियाणा सरकार पर बरसते हुए कहा कि हरियाणा में बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं, यहां तक कि कोई व्यक्ति प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। स्थानीय नेतृत्व पर हमला बोलते हुए ठाकुर अतरलाल ने कहा कि जनता को बरगलाकर वोट हासिल करने वाले जीत का सेहरा बांधकर आराम से बैठे हैं, जबकि जनता परेशान है, बेहाल है। सुनिए, पुख्ता प्रबंध किए जाए। पहला जो हमारा प्रस्ताव है कि लोगों के जान माल की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाए। नंबर दो, लव जिहाद रोकने के लिए कानून बनाया जाए। निकेता और सपना के हत्यारों को फांसी दी जाए। पीड़ित परिवारों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। थानों तथा चौकियों में पुलिस की नफरी बढ़ाई जाए। जब भी फोन करते हैं थानों में कि हमारे पास तो मुलाजिम ही नहीं है, हमारे पास कर्मचारी ही नहीं है। लाखों नौजवान बेरोजगार है, सरकार क्यों दबाए बैठी है रोजगार को? सरकार रोजगार दे और रोजगार की भी पुलिस में भर्ती की मैट्रिक क्वालिफिकेशन की जाए। तो ये हमारा है कि थानों और चौकियों में पुलिस की नफरी बढ़ाई जाए। और 3 साल से ज्यादा जो थानों में मुलाजिम, चौकियों में मुलाजिम है, उन सब का ट्रांसफर किया जाए, हमारी ये मांग है। बस स्टैंड से लेकर और झंडा चौक तक आप मार्च निकाल रहे हैं, थोड़ा बताइए इसके बारे में। आज हम जो हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बुरी स्थिति है। आए दिन बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, फिरौती मांग रहे हैं लोग, रंगदारी मांग रहे हैं, दुकानों को लूट रहे हैं, दुकानों में चोरियाँ हो रही हैं। तो हमारा ये प्रमुख मुद्दा है कि देश की जो सरकार है या राज्य जो सरकार है, लोगों के जान माल के पुख्ता प्रबंध करें। और जो रेप पीड़ित हैं, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, जिनका हत्याकांड हुआ है, निकेता है, मनीषा है, सपना है, इनको इनके न्याय के लिए इनके हत्यारों को फांसी दी जाए। और जो पीड़ित परिवार है, उन सब पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा और उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग है। अगर मांगे नहीं मानी जाते हैं तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम सत्याग्रह करेंगे जी, सरकार को झुकाएंगे और न्याय लेकर के रहेंगे। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार। बढ़ाई जाती है हलके का विधायक, इसलिए बढ़ाया जाता है क्या अपने हलके की आम आदमी समझे, दुकानदार, बिजनेस मजदूर चाहे जमींदार को बुझे के भाई आपकी क्या सलाह, क्या है आपका, क्या दुख है, क्या सुख है। लेकिन नहीं, बोर्ड लेके चले गए अब्बाई का लाल, कोई बोझने वाला नहीं। बोले 5 साल तो मेरा फटा की कहीं जलेबी खा लूंगा प्रोग्राम में, बाकी जनता प्रति रहो मरती मरती।